तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग पर और एक नए जानकारी के साथ। आपका फौजी भाई सैनिक दीपक आपके सामने प्रेजेंट है और आपके सामने हाजिर है। तो आज कुछ नया भर्ती निकला हुआ है जिसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ। जो कांस्टेबल सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल का निकला हुआ है, ट्रेडमैन का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसकी आप भर्ती आप देख सकते हैं। इसके 1 अप्रैल से इसका फॉर्म फिलअप होना चालू हो चुका है, अभी चल रहा है 14 तारीख, मतलब लमसम समय निकल गया है। बहुत आदमी ने फॉर्म को फिलअप कर चुका है कांस्टेबल के लिए, जिसमें टेक्निकल ट्रेडमैन दोनों आदमी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिक कुछ नहीं करना है। इसमें बहुत सी वैकेंसी है जो आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए ड्राइवर, मोची, मोटर मैकेनिकल, कारपेंटर, ट्रेलर हो गया, बैंड का हो गया, कुक, माली, पेंटर, सफाई कर्मचारी, धोबी, बार्बर, इसे सभी पर ही वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, जो बहुत अच्छा वैकेंसी है। और इसका आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका 25 अप्रैल इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। और उसमें अप्लाई करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अप्लीकेशन आपका रजिस्ट्रेशन 27/3/2023 से चालू हो चुका है और लास्ट डेट इसका है 25 अप्रैल 2023। तो दोस्तों, जो जो दोस्तों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो जाकर जल्दी से सरकारीरिजल्ट.com में जाकर या डायरेक्ट सीआरपीएफ के पोर्टल पर जाकर वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 100 रुपया, जो जनरल के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, उनको 100 रुपया लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, जनरल, OBC और एक्स सर्विसमैन, और जो SC ST उनका 0 रुपये फॉर्म लगेगा फिलअप करने में। तो दोस्तों, इसके बाद आपको इसके एज लिमिट आपको बता दें दोस्तों कि इसके एज लिमिट कितना है। ये 21 से 27 तक फॉर ड्राइवर के लिए है और 18 से 23 ईयर तक फिर अदर पोस्ट के लिए है। 21 से 27 तक ड्राइवर के लिए स्पेसिफिकली, उसी के लिए जो 21 से 27 के बीच में है वो ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो 18 से 23 तक है वो ऑल पोस्ट के लिए करता है। जो 24 एज होने के बाद वो अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे वो ट्रेडमैन में, जैसे हो गया धोबी, बार्बर, बैंड, मोची में अप्लाई नहीं कर सकते 24 हो जाने के बाद दोस्तों, ठीक है। इस वे बहुत अच्छा वैकेंसी निकला हुआ है, बहुत दिन के बाद से आपका वैकेंसी निकला हुआ है। और आपको वैकेंसी वाइज बता भी दे रहे हैं कि आप क्वालिफिकेशन है, कितना पोस्ट है, कितना उसमें वैकेंसी, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में भी उसके साथ ही आपके खा रहे हैं दोस्तों। ड्राइवर का देख सकते हैं, आपका वैकेंसी है 2372 वैकेंसी है ड्राइवर के लिए। और उसमें 10 क्लास पास करना चाहिए, ITI 10 क्लास पास हो, BMI हो, और ड्राइवर लाइसेंस उनके पास जरूर होना चाहिए, तभी वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोटर मैकेनिकल के लिए आपका 544 वैकेंसी है, बहुत दोस्तों है, इतना वैकेंसी तो नहीं आता है, इसका बहुत वैकेंसी आ रहा है। टोटल वैकेंसी 9105 वैकेंसी टोटल निकल रहा है ऑल पोस्ट मिला के। तो मैं आपको पोस्ट पर बता भी दे रहा हूँ कितना वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, 10 क्लास के लिए आपको टाटा मोटर्स टेक्निकल व्हीकल के लिए आपको 10 क्लास पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का, ठीक है। मोची के लिए 151 पोस्ट है, 10 क्लास पास होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कुछ सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है इसमें, खाली एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो आपको ट्रेड, जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसमें आपको ही बता दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। कारपेंटर के लिए 139 है, टेलर में 242 है, ब्रैस बैंड के लिए 172 है, पाइप प्लम्बर के लिए 151 वैकेंसी है, बिगुलर के लिए, बिगुलर के भी ज़्यादा है, 1360 वैकेंसी बिगुलर में है, माली में 52 है, पेंटर में 56 वैकेंसी पेंटर का है, कुक, वाटर कैरियर में बहुत वैकेंसी दोस्तों, 2475 वैकेंसी ट्रेडमैन में है, धोबी का, बार्बर का 304 है, सफाई कर्मचारी का 824 वैकेंसी दोस्तों। और ये वैकेंसी बहुत तगड़ा निकला हुआ दोस्तों, अभी इसमें आप लोग नहीं भरोगे तो फिर आपका कहीं भी होना बहुत मुश्किल है। वैकेंसी होने के बाद यदि आपका सिलेक्शन नहीं लोगे कहीं तो आपको मुश्किल हो सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसमें हाइट बताते रहे मेल और फीमेल का, हाँ, मेल के लिए 175 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 156 सेंटीमीटर है, ठीक है। ST के लिए 150 सेंटीमीटर है और ST के लिए 162 सेंटीमीटर है। और बहुत ही अच्छा वैकेंसी निकला हुआ दोस्तों, 25 अप्रैल 2023 तक की लास्ट जो फॉर्म फिलअप होगा ऑनलाइन पोर्टल से, उसके बाद ये फॉर्म बंद हो जाएगा। फिर आपके पास इसका एग्ज़ाम होगा, रनिंग होगा, वह फिजिकल होगा, रिटर्न होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यदि मेरा ये ब्लॉग इसके विषय में और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ये सैनिक ब्लॉग को, और सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने फौजी भाई को। मैं अपने इस ब्लॉग पर नॉलेज से रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूँ और अपना लाइफ स्टाइल ब्लॉग जो घर में जाते हैं वो भी अपने अपलोड करता हूँ दोस्तों। तो अपने सैनिक भाई को सपोर्ट करें और मेरे पेज को फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नॉलेज के साथ और नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।